इंसान की जिंदगी का आगाज पत्थरों और जंगलों में शुरू किया और ऐसा ऐसा शऊर उन्हें इंसान के अंदर आया तो उसने सब तो पहले अपने जिस्म को ढांपन का सोचा। दरख्तों के पत्तियों को जोड़ते अपने जिस्म को ढांपा और इवें ही ऐसा ऐसा तरक्की करेंगे धागा बनाया और अपने जिस्म को ढांपन का एक मुकम्मल इंतजाम किया। तरक्की करने के नाल नाल टैक्सटाइल मिलें भी लग गए लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी सकाफत को जिंदा रखी पैन और दस्ती खड़े उत्ते कपड़ा तैयार करते पैन जो उन्होंने मिले। इंग्लैंड भी वह खदर ते साडे कोल कराची का आर्डर 24 घंटे होंदा है पिया ए रच है पिया साडा ए फटी लगी खड़ी एक असा पणा का चादर की नाना है चादर बहु चंगी है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बेटे लोग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तो मैं हाँ सलीम बलोच और आज मैं मौजूद हाँ पुल गोपाल दे जड़ा के दुनियापुर रोड के उत्ते है और कैरोड़ पगा शहर तकरीबन 5 किलोमीटर शुमाल वाली साइड दे पुल गोपाल है उत्थे गेर मतलब मैं मौजूद हाँ और नाज़रीन तक ये सारे हाँ कि इंसान की जिंदगी का आगाज पत्थरों और जंगलों के शुरू किया और ऐसा ऐसा शऊर उन्हें इंसान के अंदर आया तो उसने सब तो पहले अपने जिस्म को ढांपन का सोचा और जल्द इंसान ने अपने जिस्म को ढांपन का सोचा तो उन्होंने दरख्तों के पत्तियों को जोड़ते अपने जिस्म को ढांपा और इवें ही ऐसा ऐसा तरक्की करेंगे इंसान ने धागा बनाया और अपने जिस्म को ढांपन का एक मुकम्मल इंतजाम किया। जिवें ही मतलब वक्त तेज ना गुजरा तो इंसान ने तरक्की की और तरक्की करने के नाल नाल टैक्सटाइल मिलें भी लग गए लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी सकाफत को जिंदा रखी पैन और दस्ती खड़े उत्ते कपड़ा तैयार करते पैन और मजीद कितना मुश्किल काम है और बहुत सारे सवालों जवाब जान के आज असं दस्ती खड़े थे मौजूद हैं और जड़े तो उन्होंने मिलवे ने मैं दस्ती खड़े उत्ते मौजूद हाँ और भाई और काम भी करेंगे पैन लिहाजा मुख्तलिफ सवालों के जवाब जड़े जानने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सब तो पहले तो अपना नाम दस सो। मेरा नाम मोहम्मद हसन है जी। अच्छा सर सर पहला सवाल यह है कि एक काम जो है दस्ती खड़े का थोको किमें आइडिया है कि एक काम करना चाहिए और कितने सालों तू करें पे जी हाँ आइडिया तो पता नहीं लेकिन साढ़े वे जड़े हैं डाडे पड़डाडे वो भी एक काम करें दे हैं तो इन वास्ते उतों यानी कि सिलसिला चलता आता कि वरायटियाँ तुम तैयार करें दे जी हाँ इन उत्ते हर किस्म का धागा चलता है यानी कि खद्दर भी बनता है खद्दर के सूट भी बनते हैं चादर भी बन दिन उदू बाद लुंगियाँ भी बन दिन गर्मियों वास्ते लुंगियाँ बन दिन सर्दियों वास्ते चादर बन दिन डोर बन दिन खेस बन दिन धागा इस्तेमाल करें पे ये धागा कितू मंगवाएं धागे रंग एक या मुख्तलिफ रंग मंगवाएं कितू मंगवाएं जी हाँ ये जो धागा सबको मिलता है ना ये मुल्तानू मिलता है मुल्तानू मिलता है लाहौरू मिलता है कुछ धागा होता है कि जरा रंगा रंगाया मिलता है साको लेकिन कहें गाहक दे पसंद यो समय होंगी है साको खुद को रंगना पौंद मतलब एक काम है बताओ और सीजन ज़्यादा चलता है या मतलब हर वेले काम में चलता रहा बंदे ना ये तो अपने को 12 महीने यो काम होता है पिया शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह अपने को 12 महीने काम मुकदा कहीं नहीं महंगाई दे दौर कारोबार कितना मुतासर था या कह नहीं दिया या जदीद टेक्सटाइल क्यों लाग गए क्या इन्हें मिलना दे मतलब बेजा तू भी थोड़ा कारोबार मुतासर था या कह नहीं दिया देखो जी गाल तो यह है जो इंसान को हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए सही हूँ पहले सुनते हाथ जो भी काम बहु होता है लेकिन हूँ भी अज असा दे ना साढ़े को काम बहु है शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह असा कम 24 घंटे भी की रखू ना साढ़े को कम है पिया ते बाकी गाल रही अगे ढेर कौम ये करेंद्यान कपड़ा बने दिन लुकारी बने दिन लेकिन अजकल जड़ा बस ये बहु घट रह गया है। एक शाल बनावन दे कम अज कम कितना वक्त लगता है और अगर एक सूट तुम तैयार करो चाहे सर्दी चाहे गर्मी का उन तो कितना वक्त लगता है जी हाँ एक साल के तकरीबन साको टाइम लग पे 3 दिन धागे के मुताबिक होंगे कोई धागा बरीक होंगे कोई मोटा होंगे जो धागा मोटा होंगे ना वो तेरी जल्दी बन पैदा है बरीक जड़ा होंगे वो वाला होंगे तो तेरी टाइम लगता है। अगर एक अच्छी शाल को तैयार करावे या अच्छा एक सूट तैयार करावे कम अज कम कितने पैसे हैं क्योंकि ये टैक्सटाइल मिलना तू तो ये कपड़ा थोड़ा महंगा ही होंगे क्योंकि मजबूती होंगी कपड़े और कम अज कम रेट का कितना फर्क होंगे इन
देखो जी रेट का तो असा उन्हों का मिलना वाले का तो सबू नहीं पता, लेकिन इत के रजक्सू साढ़े को जरा बनता रहा वेंद अक्सर खदर बनता रहा वेंद साढ़े को भी गर्म कपड़ा भी बनता रहा वेंद असा इत के विचने जरा गर्म कपड़ा है खदर तो इलावा वो विचने असा 500 रुपया गज साढ़े को गज का हिसाब भी जितने मर्जी आवे बंदा गज गिने जड़ा खदर का कपड़ा है वो साढ़े को विकता 400 रुपया गज के माल जड़े है तुसा मतलब आर्डर ताज़ा तैयार करें दे या मतलब अपने को स्टाक भी रखते वे जी साढ़े को कुछ नग पै भी होंगे वो इं होंगे कि गाहक साकू यानी कि चार का आर्डर देंदे ना असं वालों सिर्फ चार नहीं लेंदे अच्छा असं वालों पांच छः सात अठ कट्ठे ला देने नग भई बाकी गाहक जड़े देखण आते हैं भाई देखते कई लोग पसंद करेंगे उन्होंने वास्ते वो चीज़ यानी कि वो नग पाए होंगे भाई पसंद करेंगे भाई साढ़े को यानी कि पाए भी होंगे 24 घंटे कुछ नग साढ़े को मौजूद होंगे सूट भी होंगे चादर भी होंगे लुंगियाँ भी होंगे अच्छा ये सो टोटल कितने खड़े चले टाइम जी इं टाइम साढ़े को चार खड़े हैं सर काम कराने वाले बंदे वे वो सारे फैमिली दे है या कोई बहरू का कोई कारीगर भी रखी पे ना सारे ऐसा फैमिली दे बंदे हैं सारे कुछ घर मतलब औरतें भी काम करें नहीं चीज़ को क्या अपने घर के इस तरह सिस्टम है या कहें या सिर्फ मर्द हजरात ही काम करें दे जी हाँ औरत घर साढ़ा जो ताणी बनावनी होंगी है ना साढ़े चादर की या कपड़े की तो वो साकूल नाल हेल्प करवाते हैं गोट छोट वटने होंगे साढ़े ताणी बनावनी होंगी है तरनी होंगी वो वाल सा यानी कि मदद करेंगे नाल कि शहर तक पहुँचते हैं थोड़े हाथ बने हुए कपड़े इंग्लैंड भी वह खदर तो साढ़े को कराची का आर्डर 24 घंटे होंगे पिया जी जी हाँ कराची लाहौर तो उदू बाद त्रै चार पार्टियां हैं कि जड़ियाँ इंग्लैंड मंगवाद कपड़ा असं वाले थ्रू TCS करवा रहे हैं क्योंकि हाथ के थोड़े कहने कहने चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना क्या है जरा सब इन्होंने चीज़ों का ना रसे सो ताकि सारे नाजरीन जो देते पैन उन्हें कोई इन्होंने चीज़ें पता लगे जी असें ये एक जल्द कपड़ा बनता है ना चादर का या उमें भी कोई सूटों का कपड़ा बनता है तो उन्हें एक ये नाल चलती है ये नाल चलती है नाल नली चलती है नली वटेंदे से घर नली वटवा तो घर वाल इंदे पेंदे थे वाले चलेंदे थे ते उंद बाद वाल ए हत्था थी गया साडा ए लंघा ते ते वाल ए हत्था मरेने है वे धागा प्रेस थी गया नाल थी गया उंद बाद ए रच थी गया साडा जी रच ए रच है पिया साडा ए फटी लगी खड़ी एको अस पणा का दे है जी ए पणा का दे है था एको बे कपड़े को यानी कि सौड़ा ना करे उतनी जिम्मे बार खुला है उतना ही खड़ा रहे पैर तले हैं क्या वो भी कोई वार करे जी हाँ बिल्कुल पैरों का भी नाल काम है अच्छा जो पैर काम करते बैठे वो क्या आदि तले जी हाँ वो पैर पैर जो रखी बैठे हैं उको पेरणिया आदि पेरणिया जी हाँ दू पेरणिया होंगे चार भी होंगे अठ भी होंगे तो चानणिया से ज्यादा भी लगदियाँ जो स्टाक तैयार किए वो जरा सा लिखे सो जी हाँ वो मैं तो स्टाक दिखे ना जड़े नग बने पे ना वो तो दिखे ने चेक करवाने दस्ती खड़े होते एक दोस्त आए खड़े वो मतलब पूछते होने को क्या चीज़ घिरने हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर सब तो पहले तो अपना नाम दसे सो नाम से अब्दुल रशीद कितने रिहाए से अपने बड़ी मजबूत है कोई चादर घिननी है या मतलब कोई शाल तैयार करवानी या कोई सूट तैयार करवाना है इन्होंने राबता करे सो इंशाल्लाह बदरिया है सिर्फ पाकिस्तान दे विच अगर तुसा मंगवाना चाहे मंगवा सकदे अगर गैर मुल्क कोई भाई वीडियो को देता पे इन्होंने राबता कर इन सो बदरिया TCS तमाम किस्म का कपड़ा है जड़ा है बदरिया TCS भी सप्लाई करे सर आखिरी सवाल यह है कि जिंदगी की कोई ख्वाहिश ऐसी जी थोड़े दिल च हो कि अल्लाह से मेरी ख्वाहिश पूरी करे कोई एक ख्वाहिश रसो अपने जी हाँ ख्वाहिश तो बहुत वही है अल्लाह ताला पूरी करने वाला है साड़ी ख्वाहिश दिली ख्वाहिश यह है जो अल्लाह ताला साकू जिंदगी दे विच एक दफा मदीना दिखा दे और उम्मीद करना था को आज दसा रहे प्रोग्राम पसंद आया उसे सबको अपनी दुआएं याद रखो अल्लाह निगेबान।